यहाँ के बाबू लोगों ने उनको कुछ भ्रमित किया हुआ था, वो उनका भ्रम दूर हो गया। वो भ्रम दूर होते ही उन्होंने कहा कि मैं विद इन ए वीक ये जो पुरानी पेंडिंग जो डीपीसी है वो सारी पेंडिंग डीपीसी मैं निपटा दूंगा। वो भले ही मेरे को 22-23 तक की टोटल 24 आदमियों की पदोन्नति यहाँ होगी। अजमेर मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियंस के उच्चतर पदों का निर्धारण कर डीपीसी करवाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ चिकित्सा शिक्षा लैब टेक्नीशियंस के बैनर तले प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ चिकित्सा शिक्षा लैब टेक्नीशियंस के प्रांतीय संयोजक एवं जिला अध्यक्ष उम्मेद मल टेलर, महामंत्री सुगन चंद जेलिया आदि के नेतृत्व में लैब टेक्नीशियंस ने मेडिकल कॉलेज के बाहर एक दिवसीय धरना देकर प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा। राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी अजमेर मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन व उच्चतर पदों का पुनः निर्धारण कर डीपीसी नहीं की गई। डीपीसी नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है, इसलिए संघ की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निवारण कर मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियंस में उच्चतर पदों का पुनर्निर्धारण कर डीपीसी और रिक्त पदों को भरने की भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2013 से उच्च पदों पर डीपीसी का कार्य पेंडिंग पड़ा है। इस बीच कई कार्मिकों का बिना लाभ लिए रिटायरमेंट भी हो चुका है। अगर अभी भी डीपीसी का कार्य नहीं हुआ तो राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन धरना देकर आंदोलन को और उग्र करेगा। मेडिकल कॉलेज टेक्नीशियंस कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक उम्मेद मल टेलर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज व डायरेक्टरेट के टेक्नीशियंस द्वारा ज्ञापन देकर ग्रेड पे, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, स्पेशल भत्ते, पदनाम परिवर्तन सहित अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की भी अपील की गई है। मेडिकल कॉलेज के बाहर जो जेएलएन मेडिकल कॉलेज अटैच्ड हॉस्पिटल्स में जो लैब टेक्नीशियंस काम करते हैं उनकी वर्षों से डीपीसी पेंडिंग थी, उसके बारे में इन लोगों ने एक दिन का धरना लगाया था। महासंघ की तरफ से जो यहाँ प्रतिनिधि मंडल आया था उसने प्रधानाचार्य महोदय से वार्ता की और वार्ता करने में कुल निष्कर्ष ये निकला कि प्रधानाचार्य महोदय भी कहीं हमें नज़र नहीं आया कि वो डीपीसी नहीं करना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो बीच की कड़ी थी ना, नीचे से उन्हें जो फीडबैक मिल रहा था वो गलत मिल रहा था। उनको जो समझाया गया था वो ये समझाया गया था कि हम पुरानी डीपीसी नहीं कर सकते जो पेंडिंग है, वो हमारे अध्यक्ष जी ने उनको समझा दिया। डीओपी के ऑर्डर्स उनको हमने दिखाए, यहाँ के बाबू लोगों ने उनको कुछ भ्रमित किया हुआ था, वो उनका भ्रम दूर हो गया। वो भ्रम दूर होते ही उन्होंने कहा कि मैं विद इन ए वीक ये जो पुरानी पेंडिंग जो डीपीसी है वो सारी पेंडिंग डीपीसी मैं निपटा दूंगा। वो भले ही मेरे को 22-23 तक की टोटल 24 आदमियों की पदोन्नति यहाँ होगी, जो इतने वर्षों से बेचारे बगैर पदोन्नति के रिटायर होते जा रहे थे, अब वो प्रिंसिपल साहब ने चाहा और जल्दी डीपीसी कर दी, तो रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इस बात का पूरा पूरा लाभ मिलेगा और कर्मचारियों की जीत होगी और कर्मचारी अपने, और इसमें कोई पदोन्नति से कोई पैसे का लाभ नुकसान होने वाली बात नहीं थी, ना प्रिंसिपल की जेब से कुछ जा रहा है, ना सरकार को कुछ देना पड़ रहा, लेकिन पदनाम परिवर्तन होने से एक नया पद मिल जाना था, वो फीत लग जाती और सब इंस्पेक्टर बन जाता, बस इतनी सी बात थी। नहीं नहीं मिलता तो ये यहाँ दोबारा हमारे को दूसरा नया कार्यक्रम देना पड़ेगा। और 14 सूत्री जो मांग पत्र था जो सरकार के लेवल पर पेंडिंग है जिसमें फाइनेंशियल बर्डन आता है सरकार के ऊपर, उसके लिए प्रिंसिपल ने उसको फॉरवर्ड करने के लिए अपनी तरफ से रिकमेंडेशन के साथ लिख दिया कि मैं उसको रिकमेंड करके आगे भेज दूंगा।